हाँ ऊपर ऊपर बिहार के सिवान में खुलेआम शादी समारोह में चली गोली। शादी समारोह में लहराए खतरनाक हथियार। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार में जैसे हर्ष फायरिंग फैशन बन चुका है। प्रशासन की तमाम सख्ती के बावजूद हाथ में अग्नि शस्त्र लहराए जा रहे हैं। जन्मदिन हो या शादी समारोह, अग्नि शस्त्र ऐसे लहराए जाते हैं जैसे प्रशासन और पुलिस ने उनकी साठगांठ पहले से हो चुकी है। सिवान जिले में खुलेआम शादी समारोह स्टेज पर फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। ताजा मामला सिवान जिले के जीवी नगर तरवाड़ा थाना क्षेत्र के हरिहरपुर लालगढ़ में एक शादी समारोह में जयमाला के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। बता दें कि हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो हरिहरपुर लालगढ़ का बताया जा रहा है। वहीं जयमाला के दौरान हर्ष फायरिंग मामले पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने मामले की जानकारी नहीं होने से इनकार कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो शादी समारोह के दौरान जयमाला का है, जहाँ एक युवक शादी समारोह में जयमाला के दौरान हर्ष फायरिंग करते हुए दिख रहा है। जयमाला समारोह के दौरान मंच के आसपास काफी संख्या में पुरुष एवं महिला मौजूद है। इसी क्रम में मंच के पास एक युवक फायरिंग की कोशिश कर रहा है। वीडियो में देखा जा और सुना जा सकता है कि एक युवक दूसरे युवक को जयमाला स्टेज के पीछे से फायरिंग करने का आवाज लगाता है, जिसके बाद हाथों में हथियार लेकर गुटखा चबा रहा दूसरा शख्स फायरिंग शुरू कर देता है। वहीं इस संबंध में ग्रामीण सूत्रों के अनुसार वायरल वीडियो 26 मई जीवी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के हरिहरपुर लालगढ़ के एक शादी समारोह का बताया जा रहा है। सुखद संयोग यह रहा कि कोई अप्रिय वारदात नहीं हुई, अन्यथा शादी का जश्न कई मौके पर किसी प्रकार का मातम में बदलता है। ऐसी खबरें अक्सरहा सुर्खियों बनी रहती है। इस संबंध में जीवी नगर तरवारा थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने वायरल वीडियो के बारे में जानकारी ली गई तो थाना अध्यक्ष ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वीडियो की जांच कर मामले में दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। करतूत की भनक पुलिस को भी नहीं लगी या फिर जानकर भी अनजान बनी रही, ये तो वही जाने। इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो की सत्यता की परख होनी अभी बाकी है, लेकिन वीडियो में जो कुछ दिख रहा है वो कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। यही दीगर बात है कि इन लोगों के ऊपर कानून का डंडा चलता है या फिर नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी।